I got loyalty, got loyalty inside my DNA. I got memories, got war and peace inside my DNA. I got joy and pain and joy inside my DNA. Shinra Tensei. Hey guys, yeah, आप लोगों का friendly neighborhood और guys, I'm back again. और guys, मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कल कहाँ था. तो guys, मैंने decide किया कि मैं हर संडे को थोड़ा रेस्ट लूँगा, क्योंकि guys, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजार रहा हूँ YouTube पर. मतलब मैं अपने कॉलेज की स्टडी करता हूँ, कॉलेज में मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद घर आके स्टडी होती है मेरी, और उसके बाद समझ लो मुझे फ्रेंडली टाइम नहीं मिल रहा, आउटर वर्ल्ड में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि संडे के दिन मैं हर बार एक ब्रेक लूँगा, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि ब्रेक की बहुत ज़रूरत है. मेरी आँखों में दर्द भी होने लग गया है. तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो गाइस, आज मैं एक और एनिमे की रिलीज डेट लेकर आ गया हूँ, और ये एनिमे है द टेस्टामेंट ऑफ न्यू डेविल सिस्टर सीजन 3. गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और सॉरी भी बोलूँगा, क्योंकि मैंने ये एनिमे ना ही देखा है ना ही कभी सुना है. गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर मुझे एनिमे देखना चाहिए और ये किस तरह का एनिमे है, आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए, तो मैं इस एनिमे को ज़रूर देखूँगा. और गाइस, इसके बारे में मुझे जो न्यूज़ मिली वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है, क्योंकि गाइस इसमें सोर्स मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, सोर्स मटेरियल तो इतना है कि सीज़न 3 के साथ साथ एक सीज़न 4 भी बन सकता है बहुत ही आराम से. प्रॉब्लम है स्टूडियो कंपनी का. गाइस, जो स्टूडियो कंपनी है उन्होंने इस आइडिया को ही कैंसिल कर दिया कि वो एक सीज़न 3 या फिर सीज़न 4 बनाएंगे भी. हमें सिर्फ एक ओवीए देखने को मिला था सीज़न 2 के बाद. वेल गाइस, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीज़न 3 नहीं बनाएंगे. तो अगर एक सीज़न 3 चाहिए तो किसी और स्टूडियो को बनाना होगा, समझ लो. तो जिस स्टूडियो ने इसका सीज़न 2 और सीज़न 1 बनाया है, तो उन्होंने तो समझ लो इसका आइडिया ही ड्रॉप कर दिया है. तो अगर सीज़न 3 बनाना है तो किसी और कंपनी को बनाना होगा. तो इसके आर्टवर्क और वगैरह सब कुछ अलग हो सकता है, इसमें डिज़ाइनिंग अलग हो सकती है. तो सीज़न 3 के लिए टाइम तो लग सकता है गाइस, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आ सकता है, काफ़ी चांसेस हैं. तो इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि 2022 के एंड या फिर 2023 के एंड में, क्योंकि वक्त तो लगेगा ही. तो वेल गाइस, मेरे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए यही था आज की वीडियो में. तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए अगर आप सच्चे एनिमे फैन होंगे. तो गाइस, ये था आप लोगों का फ्रेंडली नेबरहुड. अगर आपके मन में और कोई रिकमेंडेशन है देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.